भारत लॉकडाउन का सोमवार को व्यापक असर नजर आया। 21 दिनों के भारत लॉकडाउन के तहत प्रशासन और पुलिस सोमवार को और सख्त होती नजर आई। प्रशासन और पुलिस द्वारा कई दिनों समझाइश के बाद भी लोगों के घरों में नहीं रहने पर अब सघन जांच व कार्रवाई का दौर शुरू किया गया। पुलिस द्वारा अनावश्यक बाजारों में घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। प्रशासन व पुलिस की सख्त कार्रवाई के साथ कई अधिकारियों ने भी शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा। विश्व भर में फैल रही कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर कोहराम मचा हुआ है और इस महामारी से बचने के लिए हर कोई आवश्यक कदम उठाता नजर आ रहा है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने कोरोना से बचाव के लिए राजस्थान प्रदेश को करीब 9 दिन पूर्व ही लॉकडाउन घोषित कर दिया और प्रत्येक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित कर लॉकडाउन की पालना के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार से लगातार जारी हो रही एडवाइजरी के बाद बाड़मेर जिला प्रशासन एवं पुलिस काफी सख्त नजर आ रहा है। राजस्थान लॉकडाउन के तहत सोमवार को 9वें दिन भी बाड़मेर शहर के विभिन्न चौराहों संदरी सर्किल चौहटन सर्किल समेत विवेकानंद सर्किल राय कॉलोनी तनसिंह सर्किल गांधी चौक पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात नजर आया और पुलिस बलों द्वारा अनावश्यक घूमते पाए जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटने और वाहन सीज करने की कार्यवाही की गई। वहीं आवश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर निकले लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं शहर के अहिंसा सर्किल पर SDM नीरज मिश्र, DYSP पुष्पेंद्र सिंह, DYSP धन्नापुरी गोस्वामी, शहर कोतवाल राम प्रताप सिंह, सदर थानाधिकारी मूलाराम, महिला थानाधिकारी लता समेत पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा और आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को रोककर सख्ती से पूछताछ की गई और अनावश्यक घूम रहे वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्यवाही कर घरों में रहने की हिदायत भी दी गई। शहर में प्रवेश करने वाले स्थानीय लोगों और गांवों से बाड़मेर शहर की ओर आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग का दौर अभी जारी है। सोमवार को सोनडी लिग्नाइट ने 11 मजदूरों को बिना मेडिकल जांच के ही अपने घर की ओर रवाना कर दिया। इनके बाड़मेर पहुंचने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने पांचवती चौराहे पहुंचकर इन मजदूरों की स्क्रीनिंग की। गौरतलब है कि सोनडी लिग्नाइट में ये मजदूर काफी समय से काम कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते इन मजदूरों को बिना किसी मजदूरी और भोजन के पैदल ही रवाना होना पड़ा। राय कॉलोनी से निकलते इन मजदूरों के जत्थे को जागरूक मोहल्लेवासियों ने मेडिकल टीम को सूचना देकर मौके पर बुलाया और स्वास्थ्य जांच करवाई, जिसके बाद उन्हें रवाना किया गया। बाड़मेर के लोग स्वतः ही इसकी पालना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मेडिकल पे आ रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड पे आ रहे हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कोई ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है या कोई खांसी है, तो उनके लिए कह रहे हैं आप इमरजेंसी में जाओ, नहीं तो दवाएं हैं तो अपनी 15-20 दिन की दवाएं इकट्ठी लेके चले जाओ। अनावश्यक रूप से 7-7 दिन 4-4 दिन की दवाई लेके आप लोग भीड़ भी चलें। सबसे जो हमारा मकसद है वो यही है कि लोगों को जो भी मेडिकल में आ रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल जाओ, अदरवाइज आप अपने दवाएँ स्टॉक ले लो। जी नहीं है, आप लोगों के लिए अगर फ़ोन कर दो तो फ़ोन करने पर जिन किराना सेंटर पर आप जाते हो उसको पहले आप फ़ोन कर दो, जो किराने की सूची बना के लिस्ट करके वो अपने तैयार रखेगा सामान, तो आपको कम से कम समय लगेगा। और आम लोगों से आम लोग काफ़ी लोग यहाँ नहीं घूम रहे हैं, तो बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको मेरी अपील है कि जितना हो सके अनावश्यक रूप से बाहर नहीं। अब बाजार में स्थिति वैसे सामान्य है, कुछ लोगों को जरूरत या हॉस्पिटल के हैं तो वो पैनिक होकर एक साथ आ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग के नाते धीरे धीरे करके रहे। आज हमें थोड़ी इतला मिली कि कुछ बाइक सवार और कुछ ज़्यादा घूमे, तो आज स्पेशली हम सख्ती से ज़्यादा चेक करें कि मैटर जेन्युइन है या नहीं है, तो स्ट्रिक्टली वो कर रहे हैं हम। अगर कोई ऐसे अनावश्यक आपको मिल रहे हैं जिनके पास कोई अनावश्यक अगर कोई आ रहा है तो विधिक उसके कार्रवाई की जा रही है, उनकी गाड़ियाँ MVAT में सीज की जा रही है और अनावश्यक है उनको प्रिवेंटिव एक्शन ले रही है पुलिस। जनता से क्या अपील है? जनता से हम यही कर रहे हैं कि इनकेस आपके पास कोई इमरजेंसी नहीं हो तो आप घर पे रहिए, आपकी राशन सामग्री या जो सब्जी की व्यवस्था है वो भी आपके डोर टू डोर घूम के की जा रही है। अनावश्यक रूप से घर पे बाहर नहीं निकले, आप जन सहयोग आपके खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए घर में रहें और कोरोना से लड़ते वक्त खुद भी सहयोग करें, हमें भी सहयोग। वहीं लॉकडाउन की पालना को लेकर धोरीमन्ना प्रशासन भी सोमवार को सख्त नजर आया। धोरीमन्ना थानाधिकारी हरचंद देवासी ने पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे में सख्ती के रुख अपनाया और आवाजाही करने वाले वाहन चालकों से सख्ती से पूछताछ की। वहीं अनावश्यक सड़कों पर घूमते पाए जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटने की कार्यवाही की और लोगों को घरों में रहकर सरकार के निर्देशों की पालना करने की अपील की। वहीं धोरीमन्ना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने भी सोमवार को कस्बे का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। साथ ही कस्बे के वासियों ने घर में रहकर सरकार के निर्देशों की पालना करने की अपील की।